मिली जो मंजिल, मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, वरना सफ़र में हर शख्स मुझे ठग रहा था। यूं ही नहीं पहुंचा हूं आज मैं इस मुकाम पर, जब सो रहा था ये जग सारा तब मैं जग रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह, मैथ्स गुरु उदय सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 5, यूनिट टेस्ट 5 का पार्ट 1, जिसमें एपी जीपी एचपी के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 25 तक के प्रश्नों को हल करना है हमको। चलिएगा, कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 103 एंड 750 विच आर डिविजिबल बाई 6। कह रहा है कितनी नंबर हैं जो 103 से और 750 से डिविजिबल हैं। तो एक काम करेंगे हम, हमें पता है क्या है 750, तो 750 बटा कितना कर दें, 6 कर दें, तो 750 तक जो डिविजिबल होंगी वो मिल जाएंगी। माइनस 103 से चाहिए, मतलब ये तो 750 बटे 6 से जो आएगा वो 1 से लेके 750 तक आएंगी। तो हमको क्या करना है, 103 तक निकाल लीजिए, 103 बटा 6 कर लीजिए, और ये निकालने के बाद बता दीजिए कि इतनी नंबर हम हटा रहे हैं, क्योंकि हमको 103 की पहले की 103 के पहले नहीं चाहिए, है ना। तो देखिए 103 तक भी नहीं चाहिए ना, क्या कह रहा है, 103 और 107 के बीच में चाहिए हमको। ठीक है, घटा दीजिए तो 750 हो जाएगा, 750 बटे 6 से काट लिया जाए, 6 9 6 और कितना आ गया, 115 हो जाएगा, 6 2 12 6 5 30 125 माइनस 103 बटा 6 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6 9 6 6 7 42। दशमलव को नहीं, दशमलव नहीं निकालना है हमको, सिर्फ सिर्फ क्या लेना है, पूर्ण संख्या लेना, पूर्णांक लेना है, पूर्णांक हमने ले लिया। घटा लिया जाए 125 माइनस 17, 125 में 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 108, कितना आएगा, 108 आ जाएगा। तो ऐसी कितनी नंबर होंगी जो 103 और 750 के बीच में हैं, वो हो जाएंगी 108। तो बी नंबर सही हो जाएगा, है ना, क्या सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, एक का बी। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है द सम ऑफ द ऑल टू डिजिट नंबर, सभी ऑल टू डिजिट नंबर का हमको सम निकालना है। तो ऑल टू डिजिट कहाँ शुरू होती है, 10 से, है ना, पहले क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, टू डिजिट कहाँ तक रहता है, 99 तक, है ना। हमको ये प्राकृतिक संख्याएं लग रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर हम काम कर लें, क्या करें, इसमें हम एक को भी इंक्लूड करें, 1 + 2 + 3 हम इनको ले रहे हैं, 1 से लेके कहाँ तक, 99 तक, लेकिन वो टर्म्स माइनस कर दीजिए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो आप माइनस कर दीजिए, कहाँ से, 1 से लेके 9 तक, है ना, 1 से लेके 9 तक के टर्म्स को आप माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिया हमने। आपने फार्मूला पढ़ा होगा 1/2 एन इंटू एन प्लस 1, तो एन कितना दिया गया हमको, 99, और एन प्लस 1 कितना दिया गया, 100। आगे आएंगे, माइनस है यहाँ पे, माइनस लगा दिया जाए, लगा दिया 1/2 एन, एन का मान कितना है, 9 9, और 9 + 1 यानी कि 10 हो जाएगा, इनको काट दिया जाए ये 5 आ जाएगा, इसको काट दिया जाए 50 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 99 × 50, ये 0 हो गया, अगर अपना 45 × 5 = 4 और ये आ जाएगा 49, माइनस कितना हो गया अपना 45, 45 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4905, है ना। यानी कि 2 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 में सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट किया जाए, बेहतरीन क्वेश्चन, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि द 5th एंड 13th टर्म ऑफ एपी आर 5 एंड -13 रिस्पेक्टिवली, द 1st टर्म ऑफ एपी हमको बताना है। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, उसका पांचवा पद, पांचवा पद का मतलब क्या होता है कि a + 4d, है ना, इक्वल टू कितना दिया गया है, वो दिया गया है हमको 5, और इसके बाद 13 टर्म्स, 13 का मतलब हो गया a + 12d, है ना, ये कितना दिया गया है, माइनस का 13, हम सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम d, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, a चाहिए, तो हम एक काम करते हैं,
डी को एलिमिनेट करते हैं, तो तीन का ऊपर गुणा कर दो, ऊपर वाले इक्वेशन में तीन से गुणा कर दीजिए, हमने पहले इक्वेशन में तीन से गुणा कर दिया, तो डी के दोनों के साइन देखिए, दोनों साइन पॉजिटिव हैं, समान चिन्ह होते तो घटता है, तो माइनस कर दीजिए, इसे भी माइनस कर दीजिए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। देखिए ऊपर चार से गुणा होगा, बारह हो जाएगा, बारह डी और माइनस बारह डी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर देखेंगे तीन ए माइनस ए, तीन ए माइनस ए का मतलब क्या हो गया, टू ए बराबर कितना हो जाएगा, पाँच तीन या पंद्रह, पंद्रह और तेरह हो जाएंगे अट्ठाईस, पंद्रह और तेरह कितने हो जाएंगे अट्ठाईस, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, चौदह आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, फोर्टीन आ जाएगा। तो तीन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीन का जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चार कह रहा है कि विच टर्म्स इज जीरो, हम मान लेते हैं कि सीरीज का जो ना वो एनथ टर्म जो है वो जीरो है, हमने मान लिया कि एनथ टर्म क्या है, जीरो है, तो इसका एनवा पद निकालिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, साठ माइनस चौंसठ, साठ माइनस चौंसठ का मतलब कितना आ गया, माइनस का चार, माइनस का चार इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। एक काम करते हैं, चार ले लीजिए कॉमन, यहाँ से इधर से कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, सोलह, और चार कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस वन बनेगा, माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस वन और ये प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, सत्रह, तो कौन सा पद जीरो हो जाएगा, तो सत्रहवां पद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, यानी कि चौथे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर पाँच देखेंगे, कह रहा है कि द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, है ना, राइट ट्राइंगल, कह रहा है कि एक सम राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए था, राइट एंगल ट्राइंगल आर इन ए पी, द रेशन ऑफ साइड्स, इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा। तो देखिएगा, हमें पता है कि जो इसमें सबसे बड़ी है उसका वर्ग किया जाए तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाना चाहिए, तो इसमें सबसे बड़ी इस भुजा पहले वाले में चेक कर लीजिए भाई, ए पी जी पी में तो सभी हैं ए पी में, देखिएगा सभी ए पी में हैं, है ना, अंतर सभी में ए पी में है, और इसका छोड़ दिया जाए, इस ये ए पी में नहीं है, तो ये ए पी में नहीं है तो ये तो हो भी नहीं सकता, इसकी बात करते हैं। सबसे बड़ी साइड दीजिएगा, तीन का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ये चार प्लस एक, दोनों बराबर नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरे वाले ऑप्शन के साथ आइएगा, चार का वर्ग हो जाएगा सोलह, बराबर में आ जाइएगा कितना, नौ प्लस चार, है ना, कितना आ जाएगा ये तेरह, तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सी वाले के साथ चलिएगा, सी वाले ऑप्शन के साथ चलिएगा, सबसे बड़ी है पच्चीस, पच्चीस बराबर कितना हो जाएगा, चार चौक सोलह प्लस तीन, ये तो जानते ही हैं आप कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पच्चीस, दोनों बराबर हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पाँचवें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे सिक्स, है ना, छठा प्रश्न देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन हैं सारे। छठे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि द एट्थ टर्म ऑफ जी पी, हमको इस जी पी का आठवां पद निकालना है, एक काम करिएगा यहाँ पे देखिएगा, तो ये निकल के आएगा चौदह है, सात से भाग देंगे दो, फिर यहाँ पे भी दो, मतलब कि ठीक जा रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए हमें क्या निकालना है, इसका एट्थ टर्म निकालना, आठवां टर्म निकालना है, एक काम करिए सात कॉमन लीजिए इस सीरीज से, सात कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक, फिर कितना आएगा दो, फिर कितना आएगा सात चौक अट्ठाईस यानी कि दो की घात दो, फिर सात अट्ठे छप्पन यानी कि दो की घात तीन, मतलब कि इसके बाद आगे का पद हो जाएगा दो की घात चार, दो की घात पाँच, दो की घात छः, है ना। हमको कौन सा पद चाहिए, आठवां पद चाहिए, कौन सा पद चाहिए, आठवां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां आठवां हो जाएगा हमारा दो की घात सात, है ना। तो एट्थ टर्म कितना हो जाएगा इस ए पी का, इस ए पी का ये सात से गुणा भी करना है, सात गुणे दो की घात सात, है ना, तो सात गुणे दो की पावर पाँच, दो की पावर दो लिख दीजिए, दो की पावर पाँच का मतलब होता है बत्तीस और ये हो जाएगा चार, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आठ और ये बारह, एक सौ अट्ठाईस हो जाएगा, आठ सात से गुणा कर दीजिए, सात अट्ठे छप्पन की छः आए पाँच, बारह सत्ते चौरासी और पाँच हो जाएंगे नवासी, यानी कि ये आठ सौ छियानवे आ गया, तो इसका आठवां पद कौन सा हो जाएगा, आठ सौ छियानवे, सिक्स में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिक्स का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेवन, सातवां, कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देयर आर इन जी पी, कह रहा इस जी पी में कितने टर्म्स हैं,
तो देखिएगा अंतिम पद हमको दिया गया है, तो जब अंतिम पद दिया होता तो अंतिम पद वाला फार्मूला ही लगा लेते हैं। तो L बराबर क्या होता है, A R की पावर में N माइनस वन, तो अंतिम पद कितना दिया है हमको, 1/16, तो 1/16। प्रथम पद कितना दिया है, 16, ये जीपी सीरीज है ना। और अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, सर्वानुपात निकालोगे, 8/16 मतलब 1/2, तो ये आ गया साहब 1/2 की पावर में कितना, n माइनस वन, और ये आ जाएगा 1/16 × 16 बराबर में आ जाएगा 1/2 की पावर में n माइनस वन। 16 का मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8 हो गया, मतलब किससे हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 8 बराबर 1/2 की पावर में n माइनस वन। अब आपको पता है जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस वन, और n बराबर कितना आ जाएगा, 9, 8+1 आ जाएगा और वो 9 हो जाएगा। तो सातवें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवें का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सातवें का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए बी सी आर इन ए पी, कह रहा है ए बी सी जो है ना वो ए पी में है, तो देखते हैं यहाँ पे लेट करिए इनको, क्या ए बी सी ए पी है ना, तो बी आप इसको 1 मानिए, बी को आप 2 मानिए और सी को आप 3 मान लीजिए, .. इन ए पी, ये ए पी में है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ए बी डी आर इन जी पी, कौन ए बी डी जी पी में रहना चाहिए, ठीक है, मतलब कि ए को तो हम लेट कर लिए, हमने पहले ही 1 लिख लिया, ठीक है, बी का मान कितना 2, तो तीसरा पद क्या होगा अगर ये जी पी में है, यानी कि डी क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 है ना, अनुपात बराबर रहना चाहिए, जी पी का है चूंकि, 2 की घात 2 .. ये हो गए हमारे जी पी में, है ना। तो हमको बताना है कि ए माइनस बी और डी माइनस सी जो होंगे वो किस में होंगे, देखिएगा यहाँ पे क्या है, ए और ए माइनस बी और साथ में है डी माइनस सी, ए का वैल्यू रखा जाए, ए का वैल्यू है 1, 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, डी माइनस सी, डी का मान देखो 4, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको ये टर्म्स किस में दिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे सर्वानुपात निकालिए, सर्वानुपात निकालिए, आर बराबर कितना आ जाएगा, -1/1 है ना, यानी कि ये माइनस का 1 आ जाएगा, इसका निकालिए, सर्वानुपात निकालेंगे तो 1/-1 यानी कि ये भी मिल गया -1। तो सर्वानुपात जब बराबर होते हैं तो सीरीज कौन सी होती है, जीपी होती है, यानी कि आठवें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आठवें का बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि log2 base 3, log2 base 6, log2 base 12 कह रहा है कि किस में दिए गए हैं। एक काम करते हैं, इनको एक्स मान लो, हमने इसको मान लिया x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हमारा log 3 base 2, एक बात log 2 base 3, देखिएगा यहाँ पे सबका हम देख रहे हैं कि नंबर सबकी सेम है लेकिन बेस डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हम इसको पलट दें, यानी कि इसे हम लिख दें 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3 base 2, और इसको y मान लिया जाए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू में हो जाएगा log 2 base 6। 1/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी तो ये कितना आ जाएगा, इस दौरान आ जाएगा log 6 base 2। 6 को एक काम करते हैं, लिख देते हैं 2 × 3, लिखा जाए इसको 2 × 3 लिख दिया जाए 6 को, तो ये आ जाएगा log 2 base 2 प्लस log 3 base 2, ठीक है, बात समझ में आ गई, लिख दिया हमने, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 प्लस आ जाएगा कितना log 3 base 2, तो ये हमारा 1/y हो गया। अच्छा, आते हैं जेड के बराबर, जेड के पास चलिए, इसे हमने जेड मान लिया, जेड इक्वल टू हमने इसको लेट किया, तो ये कितना आ गया, ये लिखा है इन्होंने log 2 base 12, 1/z निकाल लीजिए तो ये भी आ जाएगा साहब कितना, log 12 base 2। तो log 12 को अगर आप लिखेंगे तो 4 × 3 लिखेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log में कितना, 2 की पावर 2 × 3 base 2 है ना।
लॉग एम इंटू एन से इसको ठीक करिए तो ये कितना हो जाएगा, टू टू लॉग टू बेस टू हो जाएगा, उसकी वैल्यू वन हो जाएगी प्लस, और ये हो जाएगा लॉग थ्री बेस टू, लॉग थ्री बेस टू। अब देखिए आपको ये वन अपान एक्स दिया है, वन अपान जेड दिया है, वन अपान वाई, तीनों टर्म्स हमको दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिएगा, अगर हम इसको कुछ भी कर लें, मतलब कुछ भी ना माने तब भी कोई दिक्कत नहीं, इनका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं वन अपान एक्स को, वन अपान एक्स हमको कितना दिया गया है, वो दिया गया है लॉग थ्री बेस टू। अच्छा, वन अपान वाई कितना दिया गया, एक काम करते हैं ना, इनको रहने दिया जाए, ये लिख लीजिए आप वन अपान वाई, वो दिया है हमको वन प्लस लॉग थ्री बेस टू, और वन अपान जेड देखेंगे तो वो दिया गया है टू प्लस लॉग थ्री बेस टू। अब देखिएगा आप इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, इन दोनों को घटाइए तो आपको एक मिलेगा, है ना। टी टू माइनस टी वन करेंगे तो एक मिलेगा, और टी थ्री माइनस टी टू करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। जिनके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं वो ए पी में होते हैं, किस में होते हैं, ए पी में होते हैं। कहने का मतलब ये वन अपान एक्स, वन अपान वाई, वन अपान जेड डॉट डॉट इन ए पी, ये किस में है भाई, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आपको पता है कि इनके जो व्युत्क्रम होंगे यानी कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड किस में होंगे, इन एच पी, है ना। तो ये क्या है, ये और ये तीनों किस में होंगे भाई, एच पी में होंगे, यानी कि नाइन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टेन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन जी पी, तो कह रहा है ए बी सी जो है ना वो जी पी में दिए गए हैं, जी पी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, गुणोत्तर श्रेणी। तो देखते हैं ये जी पी में है, तो हम एक काम करते हैं, इनको लेट कर लेते हैं, जी पी के टर्म्स लेट कर लीजिए। लेट कौन, ए, ए को आप मान लीजिए 10, जी पी में है तो 10 मान लीजिए, चूंकि यहाँ पे भी 10 दिया गया है ना, इसीलिए हम 10 मान रहे हैं, ठीक है। बी इज इक्वल टू कितना मान लो, 10 की घात 2 मान लीजिए, और सी इज इक्वल टू कितनी मान लीजिए, 10 की घात 3 मान लीजिए, वो किस में है, डॉट डॉट इन जी पी, ये जी पी में गिवन है, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे हमको दिया गया है कि लॉग 10 बेस ए और लॉग 10 बेस बी और लॉग 10 बेस सी किस में है, हमको ये बताना है, है ना, किस में है ये हमको बताना है। एक काम करते हैं, ए बी सी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, है ना, रख दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 10 बेस 10, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे आएगा लॉग 10, बी की जगह पे आएगा 10 की पावर 2। और आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ लिखा हो लॉग एम की पावर पी और एन की पावर क्यू, इस तरह से लिखा हो तो ये से हम लिखते हैं, ये बेस में एन की पावर क्यू लिखा हो तो पी बटे क्यू लॉग एम एन लिख देते हैं, है ना। तो एक काम करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे आप बी की जगह पे जब आप 10 रखोगे, बी की जगह पे कितना रखना है, 10 की घात 2, और सी की जगह पे कितना रखना है, 10 की घात 3। तो देखिए ऊपर 10 की घात 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 बटे 2 ये वाला टर्म आ जाएगा, 1 बटे 2, और वो आ जाएगा हमारा लॉग 10 बेस 10, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ऊपर से 1 निकल के आएगा, नीचे से 3 निकल के आएगा, और लॉग 10 बेस 10 निकल के आ जाएगा। इट मीन्स देखिए लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1, 1, 2 और 1/3। और आपको पता है ये किस में दिए गए हैं, ये एच पी में है, किस में है, 1, 2, 3 ए पी में होते हैं, तो 1/1, 1/2 और 1/3 क्या होंगे, एच पी में हो जाएंगे, यानी कि 10 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया क्वेश्चन, कह रहा है ए बी सी डी आर इन एच पी, कह रहा है कि ए बी सी डी जो है ना वो एच पी में है, तो आपको बताना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी किसके इक्वल होगा। लेट करेंगे, देखिएगा क्या है, ए का मान लीजिए 1, बी का मान लीजिए आप 1/2, सी का मान लीजिए 1/3 और डी का मान लीजिए आप 1/4, चूंकि वो एच पी में हैं तो हमने एच पी में मान ले लिया, सभी मान हमने एच पी में ले लिए ए बी सी डी के, ठीक है, हमने लेट कर लिया, क्या है किस में है, एच पी में है, है ना, इन एच पी, ये सभी टर्म्स जो हैं एच पी के लिए गए हैं। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमको निकालनी है ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो ए इंटू बी कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस
बी इंटू सी एक बटे छः प्लस सी इंटू डी एक बटा बारह। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, बारह दो छक्का बारह, छः दूनी बारह प्लस एक, है ना, कितना आ जाएगा, नौ बटे बारह, काटेंगे तीन त्रिक नौ, तीन चौक बारह, यानी कि ये आ जाएगा तीन बटा चार। कितना आ जाएगा, तीन बटा चार। अब ये मान रखे जाएं जो ऑप्शन हमको तीन बटा चार दे देगा वही करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं थ्री ए सी के पास। थ्री इंटू ए का मान वन है और सी का मान एक बटे तीन है, कैंसिल कर देंगे तो ये दे देगा हमको वन, है ना, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। आगे आते हैं, ए डी के पास आइएगा तो ये आ जाएगा तीन ए का मान एक, डी का मान है एक बटा चार, संभावना है तीन बटे चार की अगर कोई अन्य ऑप्शन नहीं मिलता है तो, है ना। तो ए ए प्लस बी यानी कि एक प्लस एक बटे दो, यानी कि ये कितना आ जाएगा साहब, तीन बटे दो गुड़े सी प्लस डी, सी और डी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सात बटे बारह, है ना, काटेंगे तो कितना आ जाएगा इक्कीस बटे चौबीस। तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है ना, बी वाला ऑप्शन जो मैच हो रहा है, थ्री ए डी बराबर तीन बटे चार, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे तेरह। क्या इफ द रेशन ऑफ द सम ऑफ एम टर्म्स और एन टर्म्स, है ना, क्या कि यहाँ पे ना एक समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल और n पदों का योगफल का जो अनुपात है वो दिया गया है m स्क्वायर बटे n स्क्वायर। हमसे पूछा गया देन द रेशन ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म्स, इसके mवें पद और nवें पदों का अनुपात क्या होगा। इसे आप कन्वर्ट करिए, लिखिए फार्मूला, कितना आ जाएगा m बाई टू 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू आ जाएगा m स्क्वायर, अब बटे में आ जाएगा n स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा इसके कितना n बाई टू, दूसरा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना, इस दो से दो काट दीजिए, इस वाले एक m से एक m कट जाएगा, इस वाले n से एक n कट जाएगा, यहाँ n बचा, इनका मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके अंदर तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2an प्लस n का मल्टीप्लाई करिए तो mnd माइनस nd इक्वल टू इधर m का मल्टीप्लाई होगा तो 2am प्लस mnd माइनस md, है ना, माइनस कितना हो जाएगा md, तो mnd mnd से काट दिया जाएगा। अब एक काम करेंगे, इसको md को इधर उठा लीजिए तो d लेंगे कॉमन तो ये आ जाएगा m माइनस n, बराबर में जाइएगा उधर 2a कॉमन लीजिएगा तो m माइनस n आएगा, m माइनस n से m माइनस n काट दीजिएगा, d बराबर कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना इसके mवें पद, है ना, हमें निकालना क्या है tm बटे tn, यानी कि a प्लस m माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस वन इंटू डी, चलिएगा d की जगह पे 2a रख दीजिए, 2a रख दीजिए और 2a यहाँ आ जाएगा, a यहाँ पे है, a ऊपर से कॉमन लीजिए, a नीचे से कॉमन लीजिए, कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना प्लस और 2, 2 बस बचाने का मतलब 2 का गुणा कर दीजिए, 2m माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2n माइनस का 2 आ जाएगा ना, ये 2 आ जाएगा माइनस 2 माइनस 2, कैलकुलेट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 2m माइनस वन, नीचे आ जाएगा 2n माइनस वन, है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। कह रहा है कि द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो देखिएगा हार्मोनिक मीन मान लीजिए इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, मान लीजिए कि इसके रूट्स क्या हैं अल्फा और बीटा हैं, तो इसका जो हार्मोनिक मीन होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा, यही होता है ना हार्मोनिक मीन, बिल्कुल सही बात। चलिए अब आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपान ए, क्या हो जाएगी सी अपान ए डिवाइडेड बाई, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस का बी बाई ए, ए से ए काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 2 सी बाई बी, माइनस का 2c बाई बी माइनस 2c, c का मान देखिए कितना दिया गया है, c का मान दिया गया है हमको
आठ प्लस दो अंडर रूट पाँच डिवाइडेड बाई बी का मान कितना दिया गया, बी का मान दिया गया माइनस का चार प्लस अंडर रूट पाँच। इस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दिया हमने, और ऊपर से दो ले लीजिए कॉमन, दो कॉमन लेंगे तो चार आ जाएगा और इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा चार प्लस दो अंडर रूट पाँच डिवाइडेड बाई चार, दो तो निकल गया ना कॉमन, दो हमने कॉमन लिया अंडर रूट पाँच, है ना। इन दोनों ब्रैकेट्स में आप देख रहे हैं सेम नंबर बनी है, यानी कि अब आ गया हमारे पास कैंसिल होने के बाद चार, है ना। तो तेरह में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तेरह में बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौदह। क्वेश्चन नंबर चौदह कह रहा है कि इनका हमको हार्मोनिक मीन ज्ञात करना है। एक काम हम करेंगे छोटा सा, हम यहाँ पे इनकी वैल्यू लेट कर लेंगे, वैसे करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, मतलब कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, हम इनकी वैल्यू लेट करेंगे। लेट कर लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ए और बी का कोई भी मान ले लिया जाए, आसानी से किया जा सकता है इसको। चलिएगा, हमने इसमें ए का वैल्यू वन ले लिया, बी का वैल्यू टू ले लिया, लेट कर लो, ए इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू टू। अब देखिए इनको कैलकुलेट किया जाए कि कितना वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू देखिए कितना आएगा, क्या है ये, ए अपान वन माइनस ए बी इक्वल टू एक बटे वन माइनस दो, कितना आ गया ये माइनस का वन आ गया। अच्छा, दूसरे वाले पद को देखा जाए, ए बाई वन प्लस ए बी एक बटे वन प्लस टू, ये कितना आ जाएगा, एक बटा तीन आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, इसका हार्मोनिक मीन निकालना है, है ना। क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है, तो निकाला जाए इसका हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कितना हो जाता है, टू टू एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई, तो निकालते हैं भाई टू एक्स इंटू वाई, तो आपको पता है कि ये वैल्यू कितनी माइनस वन और ये कितनी एक बटे तीन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ये माइनस का वन हो जाएगा और ये हो जाएगा एक बटे तीन, कोई बात नहीं, डिवाइड में आइएगा, डिवाइड में आ जाएगा माइनस का वन प्लस एक बटा तीन, कैलकुलेट करेंगे इसको तो ऊपर आ जाएगा माइनस दो बटे तीन और नीचे भी आ जाएगा माइनस दो बटे तीन, सबको कैंसिल करेंगे आएगा वन। और वन क्या है, आपने माना है वन वैल्यू है किसकी, ए की। क्या माना है, वन बराबर किसके है, ए के है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, चौदह में डो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे पंद्रह। पंद्रह में कह रहा है, फिफ्टीन कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, कह रहा है कि इफ सेवेंथ टर्म ऑफ एन एच पी, कह रहा है कि एक एच पी का आठवां पद जो है, एच पी का आठवां पद है ना, हमको दिया, हम ए पी का मानते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, ए पी का होता है ए प्लस डी, कौन सा पद है सातवां, तो ए प्लस सिक्स डी बराबर कितना हो जाएगा, एक बटे आठ। अगर वो एच पी का आठ है तो एपी का क्या होगा, एक बटे आठ हो जाएगा, हमने उसे पलट दिया। अच्छा, फिर इसके बाद एट्थ टर्म, आठवां टर्म जो है इसका वो कितना है, सात है, यानी कि ए प्लस सेवन डी इक्वल टू एक बटा सात, है ना। इन दोनों को हल कर लिया जाए, ए और डी की वैल्यू निकाली जाए, बाकी जो कह रहा फिर उसे हम निकाल देंगे, है ना। देखिएगा, घटा दीजिए माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के डी इक्वल टू आ जाएगा एक बटे आठ माइनस एक बटे सात, यानी माइनस का एक बटे छप्पन, दोनों को काट दिया जाए तो डी का मान आ जाएगा एक बटे छप्पन, कितना आ गया एक बटे छप्पन। यहाँ से ए का मान निकाला जाएगा तो छः बटे छप्पन हो जाएगा, उधर घटा देंगे तो सात बटे छप्पन, यानी कि वो भी एक बटे छप्पन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसका मान भी एक बटे छप्पन आ जाएगा, किसी में रख के देख लिया जाए। ए और डी मिल गया, हमको इसका निकालना है कितना, इसका हमें निकालना है टी फिफ्टीन, फिफ्टीन टर्म निकालना है, हम अभी ए पी का निकाल रहे हैं, फिर पलट देंगे तो उसका निकल जाएगा, तो ए प्लस कितना चौदह डी, ए प्लस चौदह डी, ए का मान कितना है एक बटे छप्पन प्लस चौदह बटे छप्पन, है ना, चौदह बटे कितना छप्पन हो जाएगा, चौदह बटे छप्पन, डी का मान एक बटे छप्पन है, तो ये कितना आ जाएगा पंद्रह बटे छप्पन, है ना, पंद्रह बटे छप्पन। तो ये था हमारा पंद्रह बटे छप्पन, किसका था, ए पी का टर्म था, तो एच पी का क्या हो जाएगा, ये ए पी का है ना, ये किसका है, ए पी का है। अब हमको अगर एच पी का निकालना है तो हम पलट देंगे, है ना, तो एच पी का जो टी पंद्रह होगा
वो क्या हो जाएगा, ये 15 बटे 56 आया है तो वह 56 बटे 15 हो जाएगा, 56 बटे 15। तो 15 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, कह रहा है इफ पीएथ टर्म ऑफ एन एचपी इज क्यू आर, कह रहा है इसका पीवा पद क्यू आर है और क्यूवा पद जो है आरपी है, तो इट्स आरएथ टर्म, कह रहा है तो इसका आठवां पद क्या होगा ये हमको बताना है। चलिएगा देखते हैं ऑप्शन, तो क्रम से देखा जाए तो पीएथ टर्म अगर क्यू आर है, क्यूएथ टर्म आरपी है, तो आरएथ टर्म जो होगा वो पी क्यू होगा, है ना, वो क्या होगा पी क्यू होगा। लेकिन चलो निकाल लेते हैं, लेट कर लीजिए, यहाँ पे लेट करिए, यहाँ पे वैल्यू सबके लेट करिए, पी इक्वल टू आप लेट कर लीजिए 2, क्यू इक्वल टू आप लेट कर लीजिए 3 और आर इक्वल टू आप लेट कर लीजिए 4। चलिए पी एथ टर्म मतलब कि हमको क्या निकालना है, अब अगर हम पी एथ टर्म निकालना चाहते हैं यहाँ से तो देखिएगा टी पी इक्वल टू, टी पी कितना है हमको वो दिया गया है क्यू इंटू आर, यानी कि पी मतलब कि 2, तो टी टू इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू आर यानी कि 12, है ना, ये किसका है एच पी का है, तो एच पी का उसने दे रखा है, हम ए पी का लगा रहे हैं तो हम इसे 1/12 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/12 लिखेंगे, ठीक है, हम ए पी में कन्वर्ट करके करते हैं ना 1/12, यानी कि यहाँ से मिल गया हमको ए प्लस डी इक्वल टू 1/12। फिर आते हैं क्यूआ पद, क्यू का मान कितना है 3, क्यू का मतलब ये हो गया कि ये आ गया ए प्लस 2D बराबर, वो कितना दिया गया है आर इंटू पी, आर और पी, तो आर 4 है, पी 2 है, 4 × 2 = 8, यानी कि 1/8, दोनों को हल कर लिया जाए, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे और हो जाएगा माइनस का डी बराबर कितना 1/12 माइनस 1/8, ठीक है। चलिएगा घटा लिया जाए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हम इनको 96 कर ले रहे हैं और यहाँ पे 8 − 12 माइनस का 4 हो जाएगा, काट दिया जाए 1 आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, है ना, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 1/24, तो ये डी का मान माइनस का 1/24 यानी कि 1/24 आ गया, ठीक है। आप ए का मान निकालोगे तो वहाँ से भी आपको 1/24 ही मिलेगा क्योंकि ए प्लस डी बराबर 1/12 है, तो ए का मान भी आ गया कितना 1/24। हमको क्या निकालना है, इसका आरएथ टर्म निकालना है, आरवां पद निकालना है, आरवां मतलब हमको निकालना क्या है T4, तो T4 कितना हो जाएगा, एचपी का निकाल रहे हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये ए और डी हमको मिल गया ना, एपी का निकलेगा, तो एपी का कितना हो जाएगा, पलट देंगे बाद में, 1 + कितना T4 = हो जाएगा हमारा ए प्लस 4 − 1, है ना, 4 − 1 भाई, आर का मान 4 है तो 4 − 1 यानी कि 3D निकाल लिया जाए, ए का मान रखा जाए 1/24 प्लस 1/24 प्लस हो जाएगा कितना 1/24 प्लस हो जाएगा 3/24, 3/24 ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 4/24, 4/24 काट दिया जाए तो कितना आ जाएगा 1/6, ये एपी का आया, तो एचपी का निकाल दीजिए, एचपी का जो चौथा पद होगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए पी और क्यू का मान रखने पे जो 6 दे देंगे वही करेक्ट आंसर होगा, आर बराबर कितना है 4/P × 5, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, P × Q हो जाएगा 3 × 6/4 यानी कि 3/2, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सी वाले ऑप्शन के साथ आइएगा, P × Q 2 × 3 यानी कि कितना हो गया 6 हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 का जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द सम ऑफ एन इनफाइनेटली डिक्रीजिंग जीपी इज 3, है ना, हमको एक जीपी दी गई है, डिक्रीजिंग जीपी है यानी कि ए है हमारा, ए के बाद फिर क्या दिया गया है ए आर, फिर होता है क्या ए आर स्क्वायर ...... कह रहा है कि इनका जो सम दिया गया है हमको कितना दिया गया है 3 दिया गया है, अच्छा इसका सम क्या हो जाएगा भाई, इसका सम होता है कितना हो जाएगा ए का मतलब ए हो गया बटे में 1 − r = हमको दिया गया है 3, अच्छा उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है इनका वर्ग कर दो, वर्ग कर दो,
तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, कॉमा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब ए आर का स्क्वायर हो गया। ये कितना आ गया, ए आर का स्क्वायर आ गया, ए आर स्क्वायर की पावर में 2 आ गया, डॉट डॉट डॉट। अब देखते हैं इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर बटे में 1 माइनस, देखिए ए आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कर, ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, आर स्क्वायर आ जाएगा। ये इज इक्वल टू कितना दिया गया है हमको, सम दिया गया है इनके स्क्वायर का 9/2। और एक ही जगह पे क्या रखा जा सकता है, एक ही जगह हम रख सकते हैं 3 × 1 - r, 3 × 1 - r तो रखिए, 3 का वर्ग हो जाएगा गुणे 1 - r का स्क्वायर हो जाएगा, 1 - r का स्क्वायर हो गया। नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में आ गया 1 - r, दूसरे ब्रैकेट में 1 + r, तो 1 - r से इसे काट दिया जाए और बराबर में कितना है 9/2, 9 से 9 को काट दिया जाए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो कितना आ जाएगा, 2 - 2r इज इक्वल टू 1 + r, r को एक तरफ ले आया जाए तो r ये आ जाएगा हमारा r, यानी कि 3r हो जाएगा, उधर जाएंगे 3r हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, है ना, 2 में 1 जाएंगे 1 बचेगा, r बराबर कितना आ गया 1/3। अच्छा r बराबर 1/3 हो गया तो a निकाल लीजिए आप, तो यहाँ पे आ जाइए, a बराबर हो जाएगा 3 × 1 - r का मान रख दीजिए 1/3, तो a इक्वल टू 3 × 2/3, तो a का मान कितना आ गया हमको, a बराबर 2 मिल गया। अब आगे हमको क्या करना है, हमको निकालना है सम, निकालना है किसका, इनके क्यूब का, क्यूब कर दीजिए तो ये a क्यूब हो जाएगा और अगला पद ए आर होता है तो ए आर की घात 3 हो जाएगा, ए आर स्क्वायर की घात 3 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, है ना, अनंत तक ये जाता रहेगा। चलिएगा पहला पद ए क्यूब बटे कितना 1 - r, तो ये 1 - r³ हो जाएगा। हमको ये वैल्यू निकालनी है, ए का वैल्यू कितना है 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8/1, माइनस कितना हो जाएगा ये 1/9 * 27, है ना, कितना आ गया 8/26, 27 का हो गया ऊपर गुणा नीचे क्या हो गया 26 हो गया, कितना हो गया 26, काट दीजिए 13 आएगा और इसे काट दीजिए 4 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना 7 × 28 की 8 हासिल आए 1 × 4 × 2 = 8 = 10, 108/13। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, 17 में जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, बेहतरीन क्वेश्चन था, ये भी बढ़िया था, तरीके से करेंगे आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, कह रहा है कि इफ एमथ टर्म ऑफ एचपी इज एन, है ना, एंड एनथ टर्म ऑफ एपी इज एम, तो हमको एम प्लस एनथ टर्म निकालना है। एक काम करिए, यहां पे भी आप लेट करिए, आप एम का वैल्यू 2 लेट कर लीजिए और एन का वैल्यू 3 लेट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि एक एचपी है हमारी, उसका एमवा पद जो दिया गया है हमको वो क्या दिया गया है, एन दिया गया है, और एनवा पद कितना दिया गया है, एम दिया गया है। तो एक काम करते हैं, है ना, एमवा पद निकालिए, एम का मान कितना है T2 इक्वल टू कितना है भाई एन, एचपी का है एन, तो एपी का क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1/n, यानी कि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई हम एपी में जा रहे हैं तो ये TM है, ये एमवा पद है, तो एमवा पद कितना है एचपी का एन है, तो एपी का कितना हो जाएगा 1/n, है ना। यानी कहने का मतलब ये हम TM निकालें, यानी कि T2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/3। T2 का मतलब क्या हो गया, A प्लस डी इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, A प्लस डी इज इक्वल टू 1/3 हो गया। इसी तरह से एनवा पद इसका क्या है, एम है एचपी का, तो एपी का कितना हो जाएगा 1/m हो जाएगा, यानी कि T3 बराबर 1/2 और A प्लस 2D इक्वल टू 1/2। A और D दोनों को हल किया जाए, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को, अगर दोनों समीकरणों को अगर हम हल करेंगे तो हमको जो A की वैल्यू मिलेगी वो 1/6 और 1/6 मिल जाएगी, क्योंकि 1/3 है तो 1/6 ये मिल जाएगी, दोनों बराबर आती हैं 1/6। डी का मान भी कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। आगे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका m प्लस nth टर्म, है ना, हमको निकालना है t
एम प्लस एन एथ टर्म, पहले हम ए पी का निकाल ले रहे हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा टी 2 + 3, यानी कि कितना आ गया टी 5, तो टी 5 कितना आ जाएगा a प्लस 4d, a का मान रखा जाए 1/6 + 4 × 1/6, ये हो जाएगा ऊपर 5/6, है ना। अच्छा, ये किसका है, एपी का, ये किसका निकला एपी का, और अगर आप एचपी का निकालेंगे तो एचपी का एम प्लस एनथ टर्म जो हो जाएगा वो 6/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/5। अब m और n की वैल्यू रखिए, जिसमें ऑप्शन में आपको 6/5 आ जाए वही करेक्ट आंसर होगा। m का मान रखा जाए तो 2/5, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। n के पास आइएगा 3/5, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। छठे वाले के पास आइएगा, छठवां ऑप्शन आपको दिया m इंटू n, यानी कि ये 6/5 है ना, संभावना है इसकी होने की, इनको पहले घटा लीजिए, m माइनस n माइनस का 1 आ जाएगा 5, हाँ ये नहीं होगा। तो मतलब पूरी संभावना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, संभावना नहीं, कंफर्म हो चुके हैं हम कि 18 में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एपी, कह रहा है कि एपी के तीन पदों का जो योग है वो कितना है 33 है। तो देखिएगा ए और क्या भाई, पहला पद क्या होता है ए माइनस डी लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं ए लेते हैं, तीसरा क्या लेते हैं ए प्लस डी लेते हैं, तो इन तीनों का योग, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा, डी से डी कट जाएगा, बराबर कितना 33, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 11, और इनका प्रोडक्ट दिया गया है 792। प्रोडक्ट निकाल लीजिए, क्या a माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 792, a माइनस डी ए प्लस डी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर इंटू ए का मान रखेंगे 11 इज इक्वल टू कितना 792, 11 × 11 = 77, 11 × 2 = 22, ये हो गया हमारा 72, और ए का मान रखेंगे 11, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121 माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 72, इधर आके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 49 इक्वल टू कितना आ जाएगा डी स्क्वायर, 11 में 2 जाएंगे 9 और यहाँ बचेगा 11, 11 में 7 जाएंगे 4, 49 आ जाएगा, डी की पावर 2 इज इक्वल टू 49, दोनों तरफ आप वर्गमूल ले लीजिए तो डी का मान जो आएगा वो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा डी का मान 7 आ जाएगा। हमसे पूछा है कि उन सब दोनों में से लीस्ट पद कौन सा होगा, सबसे छोटा वाला कौन सा होगा, है ना, द लीस्ट ऑफ देम उनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, तो ए माइनस डी ए ए प्लस डी, पहले मान रख लेते हैं 11 - 7 कॉमा कितना हो जाएगा ए, अच्छा डी के मान 2 हो जाएंगे ना, एक हो जाएगा +-7 +-7, तो हम प्लस का 7 पहले रख के देख रहे हैं, ठीक है, तो ये डी कितना हो जाएगा, ये हमारा 11 हो जाएगा और ये 11 + 7 हो जाएगा, उससे भी यही पद मिलेंगे, हालांकि ये 4 आ जाएगा और ये 11 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 4 है, वो इसमें दी नहीं गई, इसलिए 19 का जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू, -7 भी रखेंगे तो ये वही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, चलिएगा। तो 19 में कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ जाएंगे, कह रहा है कि द सम ऑफ एनथ टर्म इज, ये दिया गया हमको, किसी एपी का एनवा एन पदों का योग फल दिया गया है वो कितना है 3n² + 5। अच्छा, आपको पहले है ना, जब भी एनवा पद दिया जाए हमको निकालना क्या है कि कौन सा पद, कह रहा है कि 159 है तो हम निकाल लेंगे, पहले हम इसका एनवा पद निकाल लेते हैं। एनवा पद कैसे निकालेंगे, sn उससे पहले का पद घटा दिया जाए तो एनवा पद मिल जाता है, तो sn - sn - 1, तो sn रख दिया जाए, यह आ जाएगा 3s² + 5 माइनस n की जगह पे n - 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा n - 1² + 5 हो जाएगा, है ना, तो ये अब आगे कितना हो गया, ये हो जाएगा 3n² + 5 माइनस, देखिए अंदर आएगा n² - 2n + 1, तो 3 से करो उसे गुणा, तो 3n² हो जाएगा, -3 × 6n हो जाएगा और माइनस का 3 + 5,
तो इन दोनों को काट दिया जाए, इन दोनों को हमने काट दिया। अच्छा, बचा कितना हमारे पास? ये प्लस का 5 था, आगे प्लस का 5 है, माइनस का 5 हो जाएगा ना, ये माइनस का 5, इन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया। हमको जो इसका एनवा पद मिला वो कितना मिल गया? वो मिल गया 6n माइनस का 3, है ना। एनवा पद कितना मिल गया? 6n माइनस का 3। और आप मान लीजिए कि इसका जो एनवा पद है वो 159 है, हमको वही निकालना है, हमने मान लिया कि 159 है, निकाला जाए, ये आ जाएगा 6n माइनस 3 इज इक्वल टू 159। 6n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 162। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 162 बटे 6, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 सते 42, n का मान कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इस श्रेणी का जो 27वां पद है वो क्या है, 159 है, यानी कि 20 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 है, देखते हैं, बहुत ही बढ़िया, अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे, छोटे छोटे लेकिन बढ़िया है ना। कह रहा है कि फोर्थ एंड सेवेंथ टर्म और टेंथ टर्म ऑफ जीपी आर इन, अच्छा कह रहा है एक एपी का चौथा पद, सातवां पद और दसवां पद किस में होंगे। एक जीपी है हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, आपको पता है कि जो इसका चौथा पद होगा वो ए आर थ्री होगा, सातवां पद होगा ए आर सिक्स होगा, और जो इसका दसवां पद होगा ए आर नाइन होगा, ठीक है। इनको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा ए आर की पावर 6 बटे ए आर की पावर 3, ए से ए काट दीजिए, ए आर की पावर 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा ए आर की पावर 9 बटे ए आर की पावर 6, ए से ए काट दीजिए, आर की पावर 3, दोनों बराबर है ना, इसका मतलब ये भी क्या होंगे, चौथा सातवां और दसवां पद जो होंगे वो जीपी में होंगे, है ना, सर्वानुपात बराबर, इसका मतलब किस में होंगे, जीपी में होंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि x प्लस वाई और ये क्या है, एचपी में है, तो एक काम करते हैं, इस पद को एचपी का हम 1 मान लें और इसको 1/2 मान लें और इसको 1/3 मान लें, तो तीनों पद एचपी में हो जाएंगे, है ना। हमने लेट कर लिया कि ये एचपी में है, यानी कि हमने मान लिया कि x प्लस वाई बराबर 1 है और 2y बराबर कितना, 1/2, यानी कि यहाँ से हमको मिलेगा y बराबर कितना, 1/4। आगे चलेंगे और y प्लस जेड बराबर कितना, 1/3, y का मान रखा जाए तो यहाँ से जेड बराबर आ जाएगा 1/3 माइनस 1/4, y का मान 1/4 आया है तो हम जेड निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/12, है ना। चलिए हमने जेड निकाल लिया 1/12, तो यहाँ से पहले आप x भी फाइंड कर लीजिए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस y, इट मीन्स 1 माइनस 1/3, यानी कि ये आ जाएगा 3/4, है ना, ये आ गया 3/4, वो आ गया 1/4 और वो आ गया 1/12। तो हम क्या करते हैं, हमको उम्मीद है कि भाई ये जीपी या एचपी में तो होने की संभावना नहीं, एपी और एचपी में होने की तो संभावना नहीं दिख रही है क्योंकि घटाने पे आएगा ही नहीं, है ना, 3/1 वो हो जाएगा 1/4 माइनस, यानी कि आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/2, और इधर वाला करेंगे 1/12, तो ये माइनस का 2/6, यानी वो भी शायद, देखते हैं घटा के देख लीजिए, हमको एक्स और वाई और जेड तीनों मिल चुके हैं, एक्स का वैल्यू कितना मिला है 3/4, वाई का वैल्यू कितना मिला है 1/4 और 1/12, हमें ज़्यादा संभावना दिख रही है कि वो एपी हो सकती है, देखा जाए। एपी जीपी चेक करते हैं भाई, अगर हम एपी के लिए चेक करेंगे तो 1/4 माइनस 3/4 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा साहब 12 हो जाएगा, माइनस का 1/12, अब इसको ज्ञात कर लीजिए, 1/12 माइनस 1/4, 12 आएगा एलसीएम, तो 1 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस का 2/12 यानी माइनस का 1/6, मतलब एपी तो नहीं हो सकती, है ना, एपी नहीं होगी। अब आइए जीपी के लिए चेक करिए, 1/4 भागे 3/4 से 4 कटेगा, 1/3 आएगा, इसको चेक करिए, 1/12 और 1/4 3 आ जाएगा, यानी कि दोनों आ गया 1/3 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जीपी हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी, है ना। तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, कह रहा है ए बी सी जो है ना वो ए पी में है, देखते हैं हम ए बी सी की वैल्यू लेट करिए,
ए इक्वल टू आप 1 लेट कर लीजिए और बी इक्वल टू 2 लेट कर लीजिए, सी इज इक्वल टू 3 लेट कर लीजिए, किस में है ये, इन ए पी, ए पी में है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हमसे ना कि ए एक्स कॉमा बी, तो देखिए ये ए ए और कौन एक्स और कौन बी किस में है भाई, ये जीपी में है, किस में है जीपी में, इट मीन्स एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए बी, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू बी, एक गुणे दो दो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया दो। फिर आगे वो क्या कह रहा है, बी वाई सी, बी और वाई और सी वो किस में है इन जीपी, ये भी जीपी में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, इट मीन्स वाई स्क्वायर आ जाएगा बी इंटू सी, बी इंटू सी का मतलब तीन दूनी छः, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब चेक करना है हमको, चेक करके बताना है किसका, कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर किस में होंगे, आइए रखते हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया है दो, बी स्क्वायर बी का वैल्यू दो है, बी स्क्वायर का वैल्यू चार हो जाएगा और ये छः हो जाएगा, तो ये किस में है, दो चार छः, तो ए पी में है, किस में है इन ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो 23 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए पी में है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, कह रहा है कि टू पॉजिटिव नंबर्स के बीच में जो अर्थमेटिक मीन है, जो ए एम है, ए एम वो इक्वल है किसका, इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब कि हमारा हो गया अंडर रूट ए बी, है ना, मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन का क्या है, वो ट्वाइस है, टू इंटू कितना जी एम, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस बी बटे दो बराबर दो इंटू में आ जाएगा अंडर रूट ए बी। एक काम करते हैं, हमको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी, ठीक है, ये आ जाएगा ए प्लस बी बटे में आ जाएगा दो अंडर रूट ए बी, यहाँ पे रख लीजिए, इक्वल टू आ जाएगा कितना दो, ये दो हमने ये वाला दो वहाँ रख दिया और अंडर रूट ए बी यहाँ उठा लाए, ठीक है चलेगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे योगांतरा अनुपात, योगांतरा अनुपात आप लगाइए, ऊपर जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस दो अंडर रूट ए बी, नीचे घटाएंगे तो ए प्लस बी माइनस दो अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू दो प्लस एक बटे दो माइनस एक। अब देखिए इसे हम अगर लिख दें अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो ऊपर बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर और नीचे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तीन बटे एक। दोनों तरफ आप वर्गमूल ले लीजिए तो ये आने वाला है हमारे पास अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर कितना अंडर रूट तीन बटा एक, ठीक है। फिर से योगांतरा अनुपात अगेन दोबारा लगा दिया जाए, ऊपर जोड़ेंगे तो ऊपर बचेगा टू रूट ए, है ना, और नीचे टू रूट बी बराबर ये कितना हो जाएगा अंडर रूट थ्री प्लस वन और अंडर रूट थ्री माइनस वन, टू से टू काट दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये ए बटा बी आ जाएगा और इधर वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा तीन प्लस एक यानी कि चार प्लस दो अंडर रूट तीन बटे चार माइनस दो अंडर रूट तीन, है ना, ऊपर से दो कॉमन ले लीजिए तो दो प्लस अंडर रूट तीन और नीचे कितना आ जाएगा दो माइनस का अंडर रूट तीन। इट मीन्स यहाँ पे आ गया ए अनुपाते बी इज इक्वल टू दो प्लस अंडर रूट तीन अनुपाते दो माइनस अंडर रूट तीन, दो प्लस अंडर रूट तीन माइनस दो अंडर रूट, हाँ ठीक है, चौबीसवां का बी वाला ऑप्शन मिल गया हमको, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, पच्चीसवां प्रश्न देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है द एएम ऑफ टू नंबर इज 34, एएम कितना आ गया 34, है ना, मतलब कहने का ये कि ए प्लस बी बटे दो इक्वल टू कितना 34, इट मीन्स ए
प्लस बी है ना, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 68। मतलब उन दोनों नंबर को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 68 आना चाहिए। और अंडर रूट ए बी यानी कि उनका जीएम जो है वो कितना है, 16 दिया गया है, 16 इनका 16 आना चाहिए। चलिए करते हैं। तो देखिए वर्गमूल जिनका निकला है उन्हीं वाले ऑप्शंस के पास जाइए, तो बी वाला ऑप्शन से ट्राई करिए, हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो। तो अंडर रूट आ जाएगा 64 गुणे 4 भाई, जोड़ने पे तो 68 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, वर्गमूल के बाहर आएंगे 16 आएगा, और 8 आएगा, 64 है ना, तो 64 को आप लिख दीजिए, 64 किसका हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, 8 64 और 2 कितना आना चाहिए, 16। तो जी एम मैच कर रहा है ना, वो एच एम भी निकालोगे इन दोनों का तो 68 आ जाएगा, दोनों मैच कर रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है मैच कर रहा है, यानी कि 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा आगे करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।